अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाऊंगी नारियल की बर्फ़ी, जो कि कीटो फ्रेंडली है। आप लोग जब डाइट पे होते, स्पेशली मैं खुद हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। और हम लोग कीटो में तो कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि कीटो में अभी बहुत कुछ बंद होता है आपको खाना, तो इसलिए आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी जो है नारियल की बर्फ़ी। और इसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो मैंने नारियल जो होता है उसका ऐसे बूरा अच्छा जो होता है वो लिया है। कोशिश करें बारीक वाला मिले ज़्यादा। और इसमें मैं लूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून टू 2 टेबल स्पून जो है बटर लूँगी। ये सॉल्टेड नहीं है, आप कोशिश करें कि आपको बगैर नमक के मिले। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें क्रीम लूँगी, आप लोग कोई भी क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। और तकरीबन 1/4 कप जो है मैं इसमें लूँगी कोकोनट मिल्क। और अगर आपके पास कोकोनट क्रीम है तो आप लोग इसका ऑल्टरनेट कोकोनट क्रीम भी डाल सकते हैं, नो इशू। और स्टीविया लेंगे, वो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे कि आपको कम लेना है ज़्यादा लेना है। तो चले जी, इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें बटर को अच्छे से मेल्ट करूँगी और नारियल जो हम इसमें भूनेंगे अच्छे तरीके से। ये जी, मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है बटर इसमें डाल के इसको मेल्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम 2 कप जो है नारियल क्रश किया हुआ जो है वो इसमें डालेंगे। तेज़ आंच नहीं करनी है वरना वो एकदम सड़ सकता, बहुत हल्की आंच रखनी है आपने। ये तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको आपने अच्छे से हिलाते रहना, इसको छोड़ना हरगिज नहीं है वरना ये लग जाएगा और ये सड़ सकता है। अगर आप लोगों को इसमें फील हो कि बटर थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है। जी, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट है, अच्छे से इसको इस तरह से बटर में भूनेंगे। हल्का सा इसका कलर जब चेंज होगा तो बाकी की चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। ये जी, मैंने इसको 2-3 मिनट अच्छे तरीके से जो है भून लिया नारियल को, और इसका कलर भी हल्का हल्का सा जो है ये आप देख सकते हैं चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कोकोनट मिल्क, जो तकरीबन 1/4 कप मैंने कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करना। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसमें और डालना चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसमें और डालूंगी। थोड़ा सा जो है हम तकरीबन 1/2 कप हो जाएगा, 1/4 कप जो है वो आप देख के ही डालिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए तो फिर बर्फ़ी जो है वो पतली हो जाए, उसका मिक्सर हो फिर बर्फ़ी सही जम ना सके। इसके अंदर जो है मैं 1/2 कप और डालूँगी, सॉरी 1/4 कप इसमें और डालेगा। तकरीबन ये 1/2 कप इसमें कोकोनट मिल्क हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जी, मैंने इसके अंदर ना थोड़े से जो है 2 इलायची जो है छोटी इलायची उसके जो है मैंने इसमें दाने भी डाल दिए ज़रा अच्छी सी खुशबू के लिए। आप लोग चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून जो है आप इसमें ले लें। कोकोनट मिल्क डाल के थोड़ा सा हमने इसे पका लिया अच्छे से, लेकिन बस चमचा हिलाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आंच तेज हुई या चमचा हिलाया तो ये सड़ सकता है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है इसमें हम क्रीम डालेंगे। जी, 2 टेबल स्पून क्रीम होगी। अब इसको अच्छे तरीके से जो है इसमें मिक्स करेंगे, बहुत हल्की आंच पे, बल्कि आप कोशिश करें इसे चूल्हे से उतार ही लें फिर इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करें।
जी क्रीम इसमें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून मैं इसमें पानी ऐड करूँगी बस, और इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करके तकरीबन अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर इसके अंदर एंड पे, सबसे एंड पे जो है इसमें स्टीविया डाल देंगे। स्टीविया एंड पे डालने का मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हो सकता है कि वो पहले डालने से जो है इसका टेस्ट कड़वा हो जाए, तो इसलिए एंड पे ही स्टीविया डालें। ये जी ऐसे हो गए, आप इसको देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून पहले स्टीविया डाल के तो चेक करूँगी कि इसमें कितना मीठा है। ये जी अब इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून जो है वो भर के स्टीविया के डालूँगी। पहले 3 डाल के देख लेते हैं, ज़्यादा ना हो जाए। वैसे इसका मिठास जो है वो समटाइम बहुत ज़्यादा नहीं आता इसका फ्लेवर मीठा। अच्छे से मिक्स करें, अगर आप लोगों के पास आटा हो नारियल का तो आप लोग इजीली जो है इसको लड्डू बीस के बना सकते हैं। लड्डू की भी सेम होती है, लेकिन उसमें बस ये होता है कि आपको आटा यूज़ करना होता है, और अगर आपके पास आटा और ये दोनों मौजूद हैं तो आप हाफ ऑफ क्वांटिटी में ये दोनों अच्छे से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसका मीठा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें और डालेंगे, 1/2 टीस्पून। और इसको बंद करेंगे, बंद करके इसमें 1/2 टीस्पून जो क्रीम है वो और डालेंगे, लेकिन इसको बंद करके उसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे। बंद किए हुए को एंड पे 1/2 टेबल स्पून क्रीम और 1/2 टेबल स्पून जो है स्टीविया डाल के इसको बस बंद करके अब ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ सर्विंग डिश में डाल के। ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल लुक। कुछ को मैंने इस तरह से ये लड्डू की शेप दे दी, और कुछ जो है मैंने नीचे हल्का सा बटर लगा के और ये उस पर रखा है। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे तकरीबन के 2 घंटे तो कम अज़ कम लगेंगे, जिसमें ये फुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और फिर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप एक पीस जो है वो डेली बेसिस पे ले सकते हैं, नो इशू। और आप लोग इसको ज़रूर घर में बनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।